अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र से, जहां पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन द्वारा चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत थाना प्रभारी मऊगंज श्वेता मौर्य ने अपनी पुलिस टीम के साथ दुष्कर्म के फरार एक आरोपी को अमोखर गांव से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि मऊगंज थाना क्षेत्र निवासी युवती के साथ आरोपियों ने एक माह पूर्व सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिसमें युवती द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने 4 के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें मुख्य आरोपी सुरेश पांडे को पुलिस ने रिपोर्ट के 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले के 3 आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार चल रहे थे, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी राजेश पांडे निवासी अमोखर को उसके गाँव से गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा आरोपी विपिन पांडे पुलिस की सख्ती बाद न्यायालय में सरेंडर कर दिया है, तो वहीं एक आरोपी ब्रिजेश तिवारी घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा है, जिसकी सरगर्मी से पुलिस तलाश में जुटी है। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।